नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को मनीष तरण की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूँ आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुँचे हैं बजाज डेयरी फार्म पर, आगे की जो प्रॉपर जानकारी है वो लेंगे भाई साहब के साथ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बजाज डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का एड्रेस। राजस्थान में भाई एक जिला पड़ता है श्री गंगानगर। हाँ जी। उससे 75 किलोमीटर की दूरी पे एक कस्बा है राय सिंह नगर, वहाँ अपना डेयरी फार्म है। गूगल मैप पे अगर बजाज डेयरी फार्म सर्च करोगे डेयरी की लोकेशन मिल जाएगी। पहले ये जो राय सिंह नगर तहसील है गंगानगर जिले में थी, अब जिले के दो हिस्से हो गए हैं, एक जिला बन गया नया अनूपगढ़, तो हम अनूपगढ़ जिले में आ रहे हैं। ठीक है। और अपने कॉन्टेक्ट नंबर 9460120802, 9460120802, व्हाट्सएप कॉलिंग यही है। और आज की वीडियो में कितने पशु दिखा रहे हो बिक्री वाले? दिखाएंगे भाई, पशु तो काफी दिखाने थे पर अभी 4 भैंसे और 3 गाय सेल हो गई है, तो फिलहाल आपको दिखाएंगे 1 भैंस और लगभग 5-6 गाय। ठीक है। क्या आप भी अपने कटड़ू को करना चाहते हैं जवान? तो उसका एक ही है समाधान, राइट कफ। तो रोजाना अपने कटड़ू को राइट कफ 20 ml पिलाएं और उसको वजनदार और स्वस्थ बनाएं। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप 7890042000। हाँ जी, सबसे पहले नंबर पर गाय दिखा रहे हो, ये साहिवाल ब्रीड की भाई सेकंड टाइमर बच्ची है। ठीक है। दूसरी बार ब्याएगी और प्योर साहिवाल है। और ब्याने में कितना टाइम ले जाएगी अभी? ब्याने का तो देखो भाई 5-6 दिन शायद ले जाएगी, बाकी तैयारी पे आज आई, जस्ट आधा घंटा ही हुआ है, आपके सामने ही आई है 3 गाय। ठीक है। तो वो हिल के पहले भी ब्या सकती है भाई, 1-2 दिन, वैसे 5-6 दिन ले जाने चाहिए। ठीक है। और स्वभाव देखे तो शांत है? स्वभाव तो देख लो भाई, गणी शुद्धि है, थनों पे हाथ फेर रही हो और ऊपर से पूंछ उठा रखी है भाई, बिल्कुल शुद्धि सही है। और इस ब्रीड में जो गाय नीचे भी नहीं बैठने देती। हाँ, थोड़ा सा ऐसे जो देसी साहिवाल ब्रीड में ये रहता है काफी गायों के थनों के हाथ वगैरह नहीं लगवाती, पर गणी शुद्धी है भाई, बिल्कुल छोटे छोटे सींग जो है एक रियली है, ये नहीं है कि सींग बनवा बनू के छोटे कर रखे हैं। सही है। ओरिजिनलिटी यही है कि बिल्कुल छोटे सींग है और थन भाई पूरा मुट्ठी का, जैसा भैंस का थन होता है ना वैसा लगा हुआ है भाई। ये देखो भाई जो थनों के बीच में स्पेस है वो भी आपको दिखाना है, थोड़ा साइड रखना, ये देखो भाई काफी शानदार पूरा मोटा थन है। हाँ जी। और कीमत इसकी? कीमत इसकी भाई 42,000 रुपए में घर पहुंच करवाएंगे और 37,000 रुपए में यहाँ देंगे, राकेश चलाना बेहतर। ठीक है। 37,000 रुपए यहाँ का रेट और 42,000 रुपए घर पहुंच। हाँ जी। घुमाते भाई इधर थोड़ी सी। और दूध कितना तक दे देगी? दूध भाई दूसरी बार ब्याएगी, पहली बार में 14 किलो दूध बताया मालिक ने पूरे दिन का, 7 किलो एक टाइम का। ठीक है। 14 लीटर पहली बार में। हाँ जी। तो अब की बार कितना तक दे देगी? 14 लीटर पूरे दिन का पहली बार था। अब देखो भाई ये 16 दे 15 दे 17 दे वो ब्याएगी तो सामने आ जाएगा। ठीक। और इससे आगे एक और झोटी दिखा रहे हो, सेकंड टाइमर झोटी है भाई। ठीक है। दूसरी बार बच्चा देगी। ठीक है। बच्चा देने वाली है, कितना टाइम बाकी है? ले जाएगी भाई 10 दिन ले जाएगी अभी ब्याने के। ठीक है। 10 दिन का समय अभी बाकी है। हाँ जी। और हाइट लेंथ की बात की जाए तो बढ़िया हाइट लेंथ के साथ है, बड़ी है छोटी? हाइट लेंथ बढ़िया है, पीठ क्वालिटी काफी अच्छी है, नीचे की पोजीशन घनी बड़ी है भाई, पूरा जो दूर दूर स्पेस वाला थन लगा और पूरा दोहरा मुट्ठी के साइज का। हाँ जी। अडर बहुत अच्छा बनाई है, अडर हाल फिलहाल भी अच्छा है, बाकी आने वाले समय में भाई अच्छा ही बनाएगी। कल ही अपनी डेयरी पे आई है, थोड़ा खूंटा चेंज होने से भाई डरती है। ठीक है। तो दूध कितना तक दे देगी? दूध पहली बार में बताया मालिक ने भाई 14-15 किलो। ठीक है, फर्स्ट टाइम में। हाँ जी। बाकी जोटी की क्वालिटी देखते हुए लग भी रहा है कि भाई दिया होगा। हाँ जी, दूसरी बार है, बिल्कुल पतली चमड़ी की है भाई, बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की जैसी चमड़ी है। और कीमत इसकी? कीमत भाई हाँ ना का दाम है, 1,05,000 रुपए घर पहुंच, यहाँ कोई खरीदेगा तो 1,00,000 रुपए की भाई। ठीक है, 1,00,000 रुपए यहाँ का। हाँ जी। और बाकी कद वजन हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा भी आप देख सकते हो काफी शानदार है, पूरी चौड़ी पीठ पुट्ठे के साथ है। हरेक एंगल से अच्छी है भाई, पीठ क्वालिटी घनी बढ़िया, बिल्कुल पतली चमड़ी की, छोटा सींग, लगभग जेड ब्लैक, पूंछ थोड़ी बहुत वाइट है, बाकी और कोई भी वाइट स्पॉट नहीं है भैंस में।
और दूध भी उम्मीद है कि काफी बढ़िया निकाल देगी भाई इस बार। ठीक है, और रेट है वो भी वाजिब है इस प्रकार की झोटी का आज के समय में देखते हुए। रेट भाई अपने हिसाब से तो हर समय कोशिश यही करते हैं कि जाए जी मांगा जाए, बाकी पैसे लगने चीज के बिल्कुल जैसा धन होता है वैसा ही रेट रहता है। भैंस मिल जाती है 70-80 हजार की, भैंस 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख की मिलती है। सही है, बाकी जिस हिसाब से भैंस की क्वालिटी है उस हिसाब से कीमत मेरे हिसाब से तो काफी वाजिब है। बिल्कुल जी वाजिब है। बाकी फिर भी किसी भाई मेरे को महंगी लगती है तो फिर भाई कहीं से सस्ती मिले तो वहां से भाई खरीद ले। और इससे आगे एक और गाय दिखा रहे हो, ये फर्स्ट टाइमर बछी है भाई। ठीक है, पहले ही ब्यांत की है। पहले ब्यांत में बहुत बड़े साइज की और अच्छी अच्छी गाय जैसा तो इसका हाल फिलहाल ऑर्डर है। बिल्कुल, और ब्याने वाली है? हाँ ब्याने वाली है। कितना टाइम ले जाएगी? टाइम तो ले जाएगी मेरे ख्याल में 5-6 दिन अभी बाकी है। ठीक है, 5 से 6 दिन का समय अभी बाकी है। हाँ जी, और ऑर्डर देखो भाई पूरा आगे से लेकर पीछे तक का ऑर्डर तो भाई मैं कह रहा हूँ कि मन खुश हो जाए। वीडियो में शायद ऐसी नहीं लगेगी जैसे ये रियल में है। बिल्कुल, रियलिटी कुछ अलग ही है वीडियो से भी। बहुत अच्छे साइज की और मुंह से दो दांत। ठीक है, मुंह से भी दो दांत है। मुंह से दो दांत बची है, जर्सी क्रॉस में है और नीचे की पोजीशन तो घनी बढ़िया वाली भाई। ये देखो भाई ऑर्डर अभी है जो काफी शानदार लगा और जैसे जैसे तैयारी पे आएगी 5-6 दिन लेगी तो ये उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। सही है, और थनो में देखो स्पेस इतना है कि उरली साइड का थन जिसने पकड़ लिया ना परली साइड का थन पकड़ने में भाई पूरा जोर आएगा, घना स्पेस है थनों में क्योंकि अंडर की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। सही है, और ये बेच रखी है? हाँ, अभी 3 गाय आपके सामने सेल की है, 2 तो लोड होके चली गई, एक ये भाई अभी थोड़ी देर में जाएगी। ज्यादातर गाय अपना काम है जो भैंसों का ही है, गाय लेके आते हैं और एक कोशिश करते हैं कि जायज कीमत में ही मिले और जायज में ही भाई बेच दें, तो ज्यादातर गाय भाई लोकल के व्यापारी आप काम करने वाले वो ले जाते हैं और अपने हिसाब से भाई बेच लेते हैं। और इससे आगे एक और गाय दिखा रहे हो, ये भाई फर्स्ट टाइमर है, एचएफ ब्रीड की बच्ची है, पहली बार ब्याई है। ठीक है, पहले ब्यांत में? हाँ जी, ब्याई हुई है कि ब्याने वाली? नहीं ब्याई हुई है, इसको ब्याई को आज हो गया 4th दिन। ठीक है, 4 दिन की ब्याई है। 4 दिन की ब्याई है बिल्कुल भाई, ये नहीं है खीस में भरी भूरी हुई है, खीस से राकेश खीस से खाली होने के बाद वापस बनना शुरू हुई है भाई। ठीक है, खीस से खाली हो गई है। हाँ जी बच्चा। और कितना दूध तैयार है अभी? यार 4 दिन की ब्याई है, खीस से खाली होने के बाद होगा मेरे ख्याल में 12-13 लीटर होगा पूरे दिन का। ठीक है, 12 से 13 लीटर दूध मौके पर तैयार है। हाँ जी, और दूध कितना तक दे देगी? पहली बार है भाई दूध तो देखो देना क्वालिटी ने। हाँ जी, दूध देना चाहिए भाई 17-18 लीटर दूध पहले ब्यांत में आराम से ही से। ठीक है, और बच्चा साथ में? पीछे मेल कप है भाई बछड़ा, बाकी सेवा पे है। मेन बात तो ये है कि सेवा अच्छी होगी तो दूध अच्छा निकाल देगी, दूध 17-18 लीटर तो देगी देगी, बाकी 20 दे दे तो भी कोई पता नहीं। बिल्कुल, थनों थनों की अच्छी है और नीचे की पोजीशन भाई घनी बड़ी है, पूरे जो दूर दूर स्पेस वाले मुट्ठी वाला थन है। हाँ जी, नीचे की काफी अच्छी है, जिस दिन ब्याई उस दिन तो हालांकि ऑर्डर नहीं था इतना, पर जैसे जैसे खाली कर रहे हैं वैसे वैसे भाई बनना शुरू हो रही है। और कीमत इसकी? कीमत इसकी 50,000 रुपए में यहाँ पे और 55,000 रुपए में भाई 800 किलोमीटर तक के दायरे में घर पहुँच। ठीक है, 55 की घर पहुंच हो जाएगी 800 किलोमीटर तक। हाँ जी, 50 में यहाँ पे। और इससे आगे एक और गाय दिखा रहे हो, ये भी फर्स्ट टाइमर है भाई, इसको ब्याई को आज 5 दिन हो गए। ठीक है, 5 दिन की ब्याई है, फर्स्ट टाइमर है। हाँ जी, और कितना दूध तैयार है? 5 दिन की ब्याई है, खीर से खाली होने के बाद वापस बनना शुरू हुई है, होगा 12-13 लीटर होगा। ठीक है, 12 से 13 लीटर तैयार है। हाँ जी, बाकी जो थनों का साइज है वो भी आप देखिए काफी बढ़िया साइज का, थनों में स्पेस वगैरह अच्छी है, अच्छा है, और बाकी ऑर्डर काफी जो भाई पूरा टाइट और जोशीला ऑर्डर जिसे बोल दिया जाता है वो है भाई। बिल्कुल, और कीमत इसकी? कीमत इसकी भाई मोल कुछ भी करवाओ हाँ ना का दाम है 50,000 रुपए यहाँ पे, 55,000 रुपए में पहुँच 800 किलोमीटर तक के दायरे में। ठीक है, 55 की है जो घर पहुँचे, बहुत ठोस ऑर्डर है भाई, और पीछे से भाई बिल्कुल गरीब घर से आई है और सेवा होगी तो इसकी कुछ अलग ही बन के आएगी भाई हफ्ते में। बिल्कुल है जो बढ़िया दूध दे देगी। हाँ, जैसा खिलाओगे वैसा निकल। जर्सी एचएफ में क्रॉस है और थनों में स्पेस वगैरह वो काफी बढ़िया है भाई, काफी अच्छा है भाई, चारों थन अलग अलग और दूर स्पेस वाले और अडर पर नशे हैं वो भी आप देख सकते हो काफी। हाँ, बढ़िया है, छोटे गोल खोल रहे हैं भाई, बाकी नया धन है जिसने घर दूध पीने के लिए लेनी है उसके लिए बढ़िया बढ़िया। और इससे आगे एक और गाय दिखा रहे हो, ये एचएफ ब्रीड की है, सेकंड टाइमर है भाई। ठीक है, एचएफ में
हाँ जी, दूसरी बार बच्चा देगी बहुत बड़े साइज की है, साइज छोटा नहीं है, फुल साइज की गाय है। हाँ जी, घनी ऊंची लंबी है और बिल्कुल ठंडी है भाई, बिल्कुल शांत स्वभाव में, बिल्कुल ऐसे ब्रीड है जो अति शांत है। वैसे गाय अपनी सारी भाई सूदी है, जो भी गाय लो हरेक गाय के भले ही नीचे बैठ जाओ पैर कोई नहीं उठाएगी। बाकी अडर वगैरह अच्छा बनाना शुरू कर रखा है, बाकी अभी दिन देखो शायद ये 10 ले जाएगी और काफी बढ़िया बन के आएगी भाई। और दूध कितना तक दे देगी? पहली बार में मालिक ने बताया कि 22-23 किलो दूध पहली बार में था भाई इसके। ठीक है, फर्स्ट टाइम में। हाँ जी, अभी दूसरी बार है तो अब की बार कितना तक दे देगी दूध? पहली बार 22 था तो देना चाहिए भाई 25 किलो दूध इसे। ठीक है, और इतनी बड़ी गाय है 25 से फिर भी कम ही है। हाँ, तो साइज घना बड़ा है भाई, वीडियो में शायद ना बड़ा लगता हो क्या पता, पर रियलिटी में बहुत बड़ी गाय है और बाकी नीचे की भी काफी अच्छी बनेगी, काफी अच्छा आर्डर बनाना शुरू किया भाई। और जो थनों का साइज है वो भी काफी टॉप का लगे भाई। हाँ जी, और कीमत इसकी? कीमत हाँ ना का दाम है 75,000 रुपए में घर पहुँच, 70,000 रुपए में यहाँ पे जी। ठीक है, 70,000 रुपये यहाँ का और 75,000 घर पहुँच। हाँ जी।